हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ एंड ब्यूटी स्टेशन। तो आज जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ वो है लव नेचर का फेशियल किट ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ये जो फेशियल किट है ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बना हुआ है, तो मैं इसका डिटेल में रिव्यू करूँगी और इसके साथ साथ मैं घर में फेशियल कैसे करना है उसके स्टेप्स भी बताऊँगी। स्किन केयर रूटीन में फेशियल करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फेशियल करने से आपकी जो त्वचा है, आपका जो चेहरा है वो क्लींज हो जाता है, एक्सफोलिएट हो जाता है और चेहरे पे एक चमक आ जाती है। फेशियल मोस्टली लोग ब्यूटी पार्लर में या स्पा में जाके करते हैं, बट उसके लिए आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है और वो कॉस्टली भी होता है। लेकिन फेशियल आप घर में भी कर सकते हो। इसके लिए ओरिफ्लेम का ये फेशियल किट जो है ये यूज कर सकते हो। घर में फेशियल करना कन्वीनियंट भी होता है और आपको पार्लर जैसे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं अगर आप अच्छा फेशियल किट यूज करोगे तो। तो ये जो लव नेचर का फेशियल किट है ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए आता है। फेशियल किट में चार प्रोडक्ट्स आते हैं, क्लिंजर, स्क्रब, मास्क एंड मसाज क्रीम। तो लव नेचर का फेशियल किट जो है ये बड़े से कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। तो इसके पीछे स्टेप्स दिए हुए हैं ये फेशियल किट को यूज कैसे करना है और इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं क्लिंजर, फेस क्रीम, फेस मास्क एंड फेस स्क्रब के। इसके साथ साथ प्राइस भी दी हुई है और इसके नेट कंटेंट भी दिए हुए हैं। जो क्लिंजर है वो 150 ml का है, फेस क्रीम जो है 75 ग्राम की है, फेस मास्क जो है ये 100 ग्राम का है और फेस स्क्रब भी 100 ग्राम का है। स्पेशल किट को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो क्योंकि इसकी क्वांटिटी इनफ है। फेशियल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो आप मेकअप को किसी अच्छे से मेकअप रिमूवर से पहले क्लीन करें और उसके बाद आप फेशियल स्टार्ट करें। तो फेशियल की जो फर्स्ट स्टेप होती है वो है क्लिंजिंग की स्टेप। ये जो लव नेचर का क्लिंजर है इससे आप आपका फेशियल स्टार्ट करें। पहले मैं इसका आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम है और ये बहुत ही माइल्ड क्लिंजर है। तो क्लिंजिंग की स्टेप आप 3-4 मिनट्स तक करें और आपको सर्कुलर अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है आपके नेक और स्किन पे। क्लिंजर यूज करने के बाद आप मॉइस्ट कॉटन के साथ इसको रिमूव करें या टॉवल के साथ आप आपकी क्लिंजर को रिमूव करें। देन आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। स्किन को क्लींस करने के बाद अपने स्किन की जो डर्ट होती है और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाता है और हम सेकंड स्टेप जो फेस स्क्रब वो स्टेप हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर क्लिंजिंग। तो ये जो फेस स्क्रब है इसको आपको नेक्स्ट स्टेप में यूज करना है। पहले हम इसका टेक्सचर देखते हैं। फेस स्क्रब थोड़ा लिक्विडी है तो आप थोड़ा जेंटली प्रेस करें ताकि राइट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आपको मिल जाए इसकी। तो इसमें जो ग्रैन्यूल्स है ये नॉन स्क्रैची है, बहुत ही जेंटल ग्रैन्यूल्स है इसके। तो राइट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी लेके आपको फेस पे और नेक पे फेस स्क्रब को अप्लाई करना है और 4-5 मिनट्स तक मसाज करना है। तो स्क्रब जो है ये बहुत जेंटल है तो आपकी स्किन पे ये हार्श नहीं है। स्क्रब करने के बाद आपको मॉइस्ट कॉटन से या मॉइस्ट टॉवल से इसको रिमूव करना है। तो स्क्रबिंग की जो फेज है इसमें आपकी स्किन के सारे डेड स्किन सेल्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स निकल जाते हैं और एक नेचुरल ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है स्किन पे। तो फर्स्ट स्टेप में अपनी स्किन क्लींस हो जाती है, सेकंड स्टेप में एक्सफोलिएट हो जाती है। तो इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है फेस क्रीम यूज करने की, जिससे हम मसाज करेंगे अपने स्किन पे। तो आपको बेसिकली आपके फिंगर टिप्स पे फेस क्रीम लेनी है और अप्लाई करनी है आपके नेक पे और आपके फेस पे। जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी है, बहुत सॉफ्ट है और आपको ये क्रीम को अपने फिंगर टिप्स से मसाज करना है सर्कुलर अपवर्ड डायरेक्शन में आपके फेस पे, आपके नेक पे और जेंटली स्ट्रोक्स देने हैं सर्कुलर अपवर्ड डायरेक्शन में।
तो 10 टू 15 मिनट्स तक मसाज करना है और ये क्रीम जो है ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्किन में, और उसके बाद मॉइस्ट कॉटन से या टॉवल से इसको क्लींस करना है। तो ये जो मसाजिंग की स्टेप है इसमें हमारी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है और हाइड्रेशन मिलता है अपने स्किन को और स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है। जो हम मसाज करते हैं उसमें स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जो नेचुरली ग्लो देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होती है। तो मसाज करने के बाद जो लास्ट स्टेप है फेशियल की वो है मास्क लगाना। तो ये जो फेस मास्क है ये स्पेशली नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बना हुआ है, तो ये ज़्यादा ड्राई नहीं होता आपके स्किन पे। ये क्रीम बेस्ड मास्क है, इसका टेक्सचर हम देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये क्ले मास्क नहीं है, ये क्रीम बेस्ड मास्क है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो आपको जेंटली इसकी एक थिन लेयर अप्लाई करनी है आपके फेस पे और नेक पे, और आपको इसको रखना है 10 टू 15 मिनट्स तक आपके स्किन पे, एंड देन आपको वॉश करना है या आप मॉइस्ट कॉटन को यूज करके इसको रिमूव कर सकते हो। तो फेस मास्क को रिमूव करने के बाद आपकी स्किन जो है ये बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाती है, बहुत सुंदर दिखती है और बहुत शाइन आ जाती है आपके चेहरे पे। आपका चेहरा जो है कम्प्लीटली क्लींस, एक्सफोलिएट एंड ग्लो करने लगता है। तो फेस मास्क को क्लींस करने के बाद आपकी फेशियल की स्टेप ख़त्म हो जाती है। जैसे ही आपका फेशियल हो जाए तो आप मॉइस्चराइज़र को इस्तेमाल करें और उस दिन के लिए आप मेकअप मत कीजिए ताकि फेशियल का जो इफ़ेक्ट है वो बना रहे। तो ये जो फेशियल किट है लव नेचर का, इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। ये स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो देते हैं और शाइन देते हैं स्किन पे। तो इस फेशियल किट को यूज़ करने के बाद आपके चेहरे के नेक के डेड सेल्स निकल जाते हैं और स्किन हेल्दी दिखने लगती है। और अनदर थिंग इज़ जैसे कि ये ट्रॉपिकल फ्रूट्स फेशियल किट है तो इसका फ्रेग्रेंस जो है ये बहुत ही ऑसम है, बहुत प्लीजेंट है इसका फ्रेग्रेंस। और जो क्वांटिटी इस फेशियल किट की है जैसे कि क्लिंजर 150 ml है एंड बाकी क्रॉफ बैंड मास्क 100 ग्राम के हैं और क्रीम जो है 75 ग्राम की है, तो ये इनफ क्वांटिटी है। आपको ये फेशियल किट एक साल भी चल सकता है अगर आप मंथली एक बार फेशियल भी करते हो। तो मुझे ये फेशियल किट बेसिकली बहुत अच्छा लगा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और प्लीज़ आप मुझे आपके जो भी कमेंट्स हो या क्वेश्चंस हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।